हैप्पी हैप्पी होली। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या मन परेशान है, या अपसेट सा हो रहा है, ऐसा अक्सर हो जाता है, और ख़ास तौर से हम फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोगों को हार्मोनल इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को बढ़िया से पैम्पर करिए, कोई अच्छी सी अपनी ड्रेस निकालिए और उसे पहनकर रेडी हो जाइए, और खुद ब खुद आपका मूड जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। कल मेरा भी थोड़ा सा मूड ख़राब था, क्योंकि इसी वीडियो में आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी कि क्या बात हुई थी। तो आज मैंने सुबह ही ये डिसाइड किया, मैं सुबह अपना ये नया वाला सूट पहनूंगी, नई ड्रेस निकालूंगी, जो मेरे पास एक नई ज्वेलरी रखी है वो निकालूंगी। तो ये सब चीज़ें जब मैं पहनूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा मूड चेंज होगा, और उसका असर भी मेरे ऊपर हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है संडे, तो हैप्पी संडे। संडे को इंजॉय करिए बढ़िया से। टाइम हो गया है 10:30 बजने वाले हैं। आज मैं जल्दी ही नहा धो ली, जल्दी तैयार हो ली हूँ, और ऐसे ही मन कर रहा था कि संडे को आज फील किया जाए। थोड़ा सा संडे भी है और थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी फीलिंग करने के लिए कुछ किया जाए। तो कुछ करने में मैं क्या कर लेती हूँ, अक्सर मैं रेडी हो जाती हूँ और अपनी कोई भी मेरे पास नई ड्रेस रखी होती है तो मैं उसको निकाल के पहन लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उससे हम पॉजिटिव फील करते हैं, और अगर थोड़े बहुत अपसेट हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर भाग जाती है, हम खुश हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों के साथ होता हो तो बताइएगा। एक्चुअली कल क्या हुआ था ना मेरे साथ, कल जब मैं हर्षिता को स्कूल छोड़ने गई तो बस ये लगा लीजिए कि मैं घर सही सलामत आ गई लौट के, नहीं तो शायद लास्ट डे था। इतना बुरी तरह मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, जो मैं बाल बाल बची थी उसमें। हुआ क्या कि मैं स्कूल में छोड़ के हर्षिता को जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो स्कूल पे एक आर्मी वालों की गाड़ी आती है, गाड़ी नहीं बस आती है, उसमें वो बहुत सारे बच्चों को लेके आते हैं। डेली ही वो खड़ी होती है, मेरे बहुत दिनों से ना मेरे माइंड में भी टिक 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 कर रहा है कि उनको मैं टोक दूँ, उनको बोल दूँ एक बार कि आप अपनी बस को यहाँ नहीं थोड़ा सा आगे की तरफ लगाया करिए। पर वही है कि नहीं वो चीज़ हो पा रही है। मैं उस समय जल्दी में होती हूँ, बस इसको छोड़ती हूँ, ठंड वंड लग रही होती है तो सीधा घर आ जाती हूँ, रोज सोचती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ, वही बस खड़ी थी और थोड़ा सा वो होता है ना जो रैंप होता है स्कूल का, तो उससे मैं नीचे उतरी, और जैसे ही मैं उतर के मेरे को मुड़ना था लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे वो बस खड़ी रहती है, मैं मुड़ी उधर से बड़ी सी एक गाड़ी आ गई, तो वो गाड़ी आगे मेरे आगे अड़ गई, इधर बस खड़ी थी, बीच में मैं थी। बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट किया सो किया बैक लेना शुरू कर दिया, और वो बैक ले रहा है, और स्कूटी भी मैं बैक नहीं कर पा रही, और मुझसे होता है मैं आगे फटाफट चला लेती हूँ, बैक नहीं होती मुझसे, लेकिन एक एक कदम करके फिर भी मैंने कोशिश करी बैक करने की। और वो तीन बार उन्होंने बस को बैक किया, तीन बार मैंने थोड़ा सा किया, और मुझे डर, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि अगर उन्होंने और झटके से बैक कर दिया तो मैं तो गई। फिर बड़ी हिम्मत करके हॉर्न पे हॉर्न मैंने बजाया जरा सा, फिर क्या हुआ, जो गाड़ी खड़ी थी उन्होंने हल्का सा बढ़ाया आगे गाड़ी को, तब मुझे रास्ता मिला स्कूटी को निकालने का। अदरवाइज ना तो मेरे को स्कूटी खड़ा करने का मेरे पास ना टाइम था और ना ही जगह थी, और ऐसे ही सेम मैं निकल नहीं पा रही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैं जब घर पहुँची हूँ घबराते घबराते, होता ही है जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो कल मैं काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल थी, इसलिए मैंने ना वीडियो नहीं बनाई, और सारा दिन मेरा यूं ही निकल गया कि अगर ज़रा सी स्पीड वो कर देते बस को तो क्या होता। तो इस बात की वजह से सारा दिन मेरा मूड जो था एकदम स्पॉइल रहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं किया, और घबराहट ही घबराहट होती रही मुझे। और जब मैं ज़्यादा घबराती हूँ तो मैं एक ही काम करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ। उसी से मुझे लगता है कि जब मैं हनुमान जी का नाम ले लेती हूँ, हनुमान चालीसा को सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, तो मेरा मन जो है रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी शांति मिलती है। और फिर उसके बाद सारे दिन सोचती रही लाओ शूट करूँ, फ़ोन उठा लूँ, कर लूँ आप लोगों के साथ बात, पर नहीं हो पाया कल तो मुझसे। इसलिए आज मैंने अपने आप को पैम्पर करने के लिए सुबह सुबह मैं जल्दी से नहा ली, पूजा कर ली, और बढ़िया से तैयार हो गई हूँ। 3-4 रील्स वगैरह भी बना लिए जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे डालनी होती है।
अगर आपने मुझे अभी तक वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो मैं यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगी, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हादसे या छोटी छोटी बातें कभी तो दिन बना देती हैं और कभी दिन बिगाड़ देती हैं। तो कल का मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, लेकिन फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं सही सलामत घर आ गई। 2 दिन कंटिन्यू हुआ, कल सैटरडे को ये जॉब्स को बता रही हूँ मैं, और फ्राइडे को भी मैं सोफे पे चढ़ के कोई चीज़ ऊपर सेट कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, और जब मैं बैग उतरने लगी तो धड़ाम से मैं गिर गई नीचे। हो जाता है। तो 2 दिन लगातार ये हुआ, और दोनों बार थैंक गॉड कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं सही सलामत ठीक ठाक हूँ। बट हाँ, वो जो बस वाले, वो आर्मी वाले लोग हैं ना, मैं अब टाइम निकाल के एक बार उनको ज़रूर बोलने वाली हूँ कि आप यहाँ जहाँ भी खड़े होते हैं ना, ये एरिया बहुत गलत है, आप पीछे की तरफ खड़े हुए, क्योंकि वहाँ से जितनी भी गाड़ी या बस, स्कूटर स्कूटर स्कूटी बाइक जो भी आता जाता है ना, उनके लिए ईजी है। इन्हें तो नहीं दिख रहा ना पीछे का, क्योंकि मैंने इशारे में जब उनसे बात करी तो ड्राइवर ने मेरे को इशारा किया ऐसे करके कुछ, तो मतलब उन्हें नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है ना, तो आप पीछे की तरफ खड़े होइए ताकि आपको हर इंसान वहाँ से निकलता हुआ दिखेगा, तो आप हॉर्न बजाएंगे आपको दिख जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम लोगों की जान कीमती नहीं है, सबकी अपनी जान बहुत कीमती है, हम अपनी फैमिली में सब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, सबको अपनी फैमिली प्यारी होती है, तो उनको मुझे समझाना पड़ेगा, एक बार तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। और आप लोग भी इसी तरह अलर्ट रहा करिए। चलिए खैर, अब ये बात छोड़ते हैं। ये बताइए, मैंने आज आई शेडो लगा रखा है, कैसा लग रहा है? और ये बताइए कैसा लग रहा है, ये मैंने इसके साथ मैच किया है। ऐसे मेरे पास 3-4 थे जब मैंने खरीदे थे, मैं पहनती ही नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास जो मैं पहनती नहीं हूँ। आप बोलेंगे तो मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी, तो उसी में से है ये। शाइन देख के आपको पता चल जाएगा एकदम नया है, फर्स्ट टाइम, हो सकता है सेकंड टाइम पहना हो, एक बार वो 10 मिनट के लिए पहना था, और अभी मैं इसको भी उतारने ही वाली हूँ। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मैंने सुबह से अभी तक 1 कप बस 6:30-7 बजे चाय पी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं लिया, आज तो बिस्किट भी नहीं खाए, तो मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और ये छोटा सा ही अपडेट आपको देने वाली थी, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट कर लिया, आगे का बाद में करूँगी, इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक आप लोग अपना भी ख्याल रखिए और सेफली गाड़ी चलाइए। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।